नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लाइफ इज अ गिफ्ट में हार्दिक स्वागत है। एक दिन वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुँचे। नारायण नारायण करते हुए नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी, अच्छा क्या लिखा पढ़ी हो रही है? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं, मुनिवर आप खुद ही देख आना। नारद मुनि प्रभु के पास गए और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खातों का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनिम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी, अच्छा प्रभु ऐसा क्या काम है, आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले, तो तुम क्या करोगे देखकर, जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हो? प्रभु बोले, नारद जी इस बही खाते में उन भक्तों के नाम है जो मुझे हर पल भसते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा प्रभु जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते को खोलकर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो मुझे मेरे प्रभु सबसे ज़्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहाँ भी नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के खास भक्त है, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? नारद मुनि हनुमान जी के पास आए, बोले, हनुमान प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर होगा, आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने तो ध्यान से देखा, पर आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक किताब भी रखते हैं, उसमें भी वे नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु सुना है आपके पास एक किताब भी है, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे क्या काम की है? नारद जी ने बोला, प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर मैं इनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने किताब खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। ये देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो सिर्फ जीवा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों के भक्त स्वयं भगवान होते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपने हृदय रूपी किताब में रखते हैं।